गौतम अडानी दुनिया के टॉप 10 बिलियनरीज की लिस्ट में लगातार ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने एमेजॉन के जेफ बेजोस को पीछे छोड़ते हुए एक बार फिर तीसरे पायदान पर एंट्री मारी है और अब उनकी तैयारी दूसरे पायदान पर कब्जे की है। फिलहाल दुनिया के दूसरे सबसे अमीर अडानी के बीच फासला भी कम ही रह गया है। फोर्ब्स के रियल टाइम बिलेनियर्स इंडेक्स के मुताबिक अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी की कुल नेटवर्थ बढ़कर 148.8 अरब डॉलर हो गई थी। इतनी संपत्ति के साथ टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में अडानी एक बार फिर तीसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। बता दे, बीते दिनों फ्रांस के अरबपति को पीछे छोड़ते हुए अडानी ने तीसरे नंबर पर एंट्री मारी थी। हालांकि अर्नाल्ड की नेटवर्थ में उछाल के कारण वह दूसरे पायदान पर पहुंच गए थे। फोर्ब्स की लिस्ट को देखें तो भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी से आगे अब सिर्फ 2 अरबपति रह गए हैं। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क अरबपतियों की इस लिस्ट में लंबे समय से पहले पायदान पर कब्जा किए हुए हैं। उनकी नेटवर्क 273.4 अरब डॉलर है, तो दूसरी ओर बर्नार्ड अलार्ड 174 अरब डॉलर के साथ दूसरे नंबर पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराए हुए हैं। गौतम अडानी के दूसरे पायदान की रेस के फासले पर नज़र डालें तो इस नंबर पर मौजूद बर्नार्ड अर्नाल्ड को अडानी के बीच फासला कम रह गया है। दोनों की नेटवर्थ में अब 6.1 अरब डॉलर का अंतर है। जिस तेजी से गौतम अडानी की नेटवर्थ बढ़ रही है, उसे देखकर कहना गलत ना होगा कि जल्द ही वे दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान बन सकते हैं। जेफ बेजोस और अडानी की नेटवर्थ में अंतर की बात करें तो अडानी ग्रुप के चेयरमैन 12.1 अरब डॉलर ज्यादा दौलतमंद हो गए हैं। गौतम अडानी के लिए साल 2022 शानदार साबित हो रहा है। कमाई के मामले में वो दूसरे शीर्ष अरबपतियों से बहुत आगे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि उनकी अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी टोटल गैस 750 गुना से अधिक लाभ पर कारोबार कर रही है, जबकि अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी ट्रांसमिशन की वैल्यू 400 गुना ज़्यादा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ साइट। धन्यवाद।